रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। हरियाणा कैबिनेट मंत्रिमंडल में मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। वहीं जेजेपी से कोटे से मंत्री बनाए गए देवेंद्र बबली को पंचायत विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी कोटे से कमल गुप्ता को अर्बन लोकल बॉडी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनूप धानक के विभागों में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें अनूप धानक को श्रम एवं रोजगार विभाग का स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कमल गुप्ता को दो विभाग सौंपे गए हैं, देवेंद्र बबली को भी भार जो है वो सौंपा गया है। कमल गुप्ता की अगर बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल और लोकल बॉडी विभाग उनको दिया गया है, अर्बन लोकल बॉडी विभाग उनको दिया गया है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली की अगर बात करें तो विकास एवं पंचायत और पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग उन्हें सौंपा गया है। तो नए मंत्रियों के विभाग के जो बंटवारे हैं वो हो चुके हैं। अनूप धानक की अगर बात करें तो उन्हें श्रम एवं रोजगार विभाग सौंपा गया है, रेवेन्यू एवं डाइजेस्टर विभाग सौंपा गया है। तो यहाँ बता दें आपको कि मंत्रालय में फेरबदल किए गए हैं, विभागों को बांट दिया गया है, अनूप धानक को भी चार जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स को नए साल का तोहफा दिया जाएगा और इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट के दौरान 1,00,000 की राशि दी जाएगी और रिटायरमेंट हेल्पर को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि 31 दिसंबर 2021 से रिटायरमेंट होने वाले वर्कर्स को ये मानदेय मिलेगा और मानदेय में 2 साल का एरियर देने की भी घोषणा की गई है। आयुष्मान योजना के तहत लाभ देने की घोषणा की गई है। तो मानदेय में 2 साल का एरियर देने की बात कही गई है, नए साल का तोहफा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, जिसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने दी है। और यहां आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक के बाद एक कई सौगात, जहां उन्हें 1,00,000 रुपए मिलेंगे। 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वालों को लाभ मिल पाएगा, 2019 और 2020 और 2021 का एरियर भी उन्हें मिल पाएगा, इसका लाभ वो उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की ये घोषणा की गई है और खुद सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी है। तो नए साल का तोहफा अगर इसे कहा जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तो गलत नहीं होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1,00,000 रुपए मिलेंगे। क्या कुछ तोहफा है वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रिटायरमेंट पर हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ आपको बताएं कि 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वालों को लाभ मिल सकेगा। साथ ही अगर बात करें मानदेय की तो मानदेय में 2 साल का एरियर देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस मानदेय के अगर साल की बात करें तो 2019 से 20 और 20 से 21 का एरियर मिल पाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये तोहफा मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद से आंगनवाड़ी वर्कर्स में काफ़ी खुशी का माहौल है। वहीं दुर्घटना होने पर 2,00,000 की राशि की घोषणा भी सीएम मनोहर लाल के द्वारा की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया पंचायत या यूएलबी विभाग इसको देगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर 1,000 की प्रोत्साहन राशि देने की बात भी कही गई है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तोहफा है नए साल का। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के लिए पॉलिसी आएगी, ये बात भी सीएम मनोहर लाल ने कही है। और इसके साथ ही अगर आपको आगे जानकारी दे तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को हटाया नहीं जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आंगनवाड़ी के साथ साथ क्रेच भी खोले जाएंगे। तो मानदेय में सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है और महत्वपूर्ण खबर है, अच्छी खबर है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर 1,000 की प्रोत्साहन राशि भी देने की बात सीएम के द्वारा कही गई है। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के लिए पॉलिसी लाए जाने की बात कही है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निर्देश दिए कि अस्पताल के अंदर आने वाले मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार न करना पड़े। वहीं राज्यपाल ने प्रदेश के बुजुर्ग मरीजों के लिए हिदायतें भी जारी की हैं और कहा है कि अस्पताल प्रबंधन उनको दोपहर 3 बजे के बाद बुलाए, ताकि बुजुर्गों को लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना ना पड़े। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज प्रदेश के माननीय
राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद अभी राज्यपाल ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो है ऑक्सीजन की भारी कमी देखने में आई थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं 1 जनवरी से सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं, जिनके अनुसार अब नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे, उनके लिए पाबंदी रहेगी। आप देख सकते हैं ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जिसका उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया है और करीब 2000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता जो है इस ऑक्सीजन प्लांट की है, इतना उत्पादन यहाँ से होगा। तो ऐसे में एक ऑक्सीजन जो आपूर्ति है उसको लेकर एक बड़ा कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाया गया है और ये प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा जो है इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है और करीब 2000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट जो है इसका यहाँ से उत्पादन होगा। तो ऐसे में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है ओमिक्रॉन की मामले को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुट गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया। भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार बिना रुके लगातार जनता के हित में काम कर रही है। कोरोना आ गया या किसान आंदोलन आ गया, इस दौरान प्रदेश के अंदर विकास के काम लगातार ही जारी रहे और अब विकास भी गति की ओर पहुंच रहा है। साथ ही साथ बुजुर्ग की पेंशन काटने पर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा सुनाते हैं आपको। आज शाम तक डिपार्टमेंट्स भी इन साथियों को निर्णय है, उस पर भी निर्णय हो जाए और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़े। हरियाणा की जनता जिस सोच के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ी है, मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बेहतर काम करके दिखाया और इसीलिए चाहे वो नीति आयोग हो, गुड गवर्नेंस हो, हर एक में हरियाणा की रैंकिंग प्राथमिक नंबर में आने लगी। नहीं तो किसान आंदोलन हो, कोरोना हो, उस दौरान भी बेहतर तरीके से काम किया, इसलिए प्रदेश विकास के पथ पर चला और अब तो क्योंकि व्यवस्था बेहतर हुई है, अगर ये ओमिक्रॉन का प्रकोप नहीं आएगा तो और अच्छा काम करेंगे। कानून भूपेंद्र हुड्डा के सामने समय पर परिवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आयु 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया है और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ। किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी, अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय उनके हस्बैंड वाइफ की आय, बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुधार तौर से चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पॉल्यूशन पर बोलते हुए कहा है कि ई व्हीकल्स पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, 2024 तक ये ई व्हीकल्स को सड़कों पर लेकर आया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जल्द ही पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी भी लेकर आएंगे। जो केंद्र की तरफ से जो डायरेक्शन है कि जो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा NCR के इलाके में है और पॉल्यूशन को ख़त्म किस तरह किया जाए, उसके लेकर इलेक्ट्रिकल 2-व्हीलर 3-व्हीलर इस तरह की पॉलिसी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा NCR के जो ज़िले हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर है, इसमें इलेक्ट्रिकल बस को 2024 तक इसको बढ़ावा दिया जाए और 2019 तक पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को पूरी तरह बढ़ाएं 29 तक। पर इसके लिए आने वाले समय लगेगा, कहीं 4 स्टेशन है, कहीं हमारे जो नई बिल्डिंग है, नई सोसाइटी है, वहां पे 4 स्टेशन बनाने काम करेंगे, पेट्रोल पंप है वहां पे, कि मॉल्स हैं उन पे, क्यों अभी इसमें समय इसलिए लगेगा कि इलेक्ट्रिकल बस तो ले आते हैं 2-व्हीलर पर, चार्जिंग स्टेशन कहाँ होंगे। तो इस तरह की धीरे धीरे इस पर हम काम कर रहे हैं कि जहाँ 4 स्टेशन कहाँ होगा, किस बिल्डिंग में होगा और कहाँ कहाँ इस तरह के 4 स्टेशन बनाए जाएं और आने वाले समय में 2024 तक हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को NCR के इलाके में
शुरुआत। गुड़गांव में फैजाद हमने करा था, गुड़गांव फैजाद है मेरी, कौशल विकास यूनिवर्सिटी में है, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, इस तरह की हमने सरकारी उसमें जहाँ उदाहरण के तौर पर सरकारी महकमे कई जगह इस तरह की व्हीकल है। पॉलिसी जो 10 साल से पहले डीजल के व्हीकल हैं और 15 साल पेट्रोल के हैं, इसकी भी एक स्क्रैप पॉलिसी की ये रोड पर ना है, और इनके जो टू व्हीलर हैं, थ्री व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, इनके स्थान पर कोई इनके स्क्रैप होता है तो उसकी सब्सिडी मिलेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित एमएलए हॉस्टल में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार विज की कार को आग लगा दी गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है फिलहाल और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ये जो घटना है वो मंगलवार रात 12:30 बजे की है। एमएलए हॉस्टल में संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने चंडीगढ़ पुलिस को बताया कि कार में सवार 3 युवक यहां आए। एक युवक ने कार से उतरकर पहले फॉर्च्यूनर कार का शीशा तोड़ा और फिर वहां से फरार हो गया। उसके बाद आरोपी दोबारा वापस लौटे, जिसके बाद इस बार आरोपियों ने कार में आग लगा दी। आग लगाने वाला शख्स सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद से पेट्रोल छिड़क कर इस गाड़ी में आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। पानीपत सिटी से विधायक है जिनकी इस गाड़ी में आग लगाई गई है पेट्रोल डालकर। यहां बता दें कि देर रात युवकों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसके बाद इस गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसकी दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पहली बारी में ये शीशा तोड़ा गया, दूसरी बारी में जब आग लगाई गई। वहीं इस घटना के बाद से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। घटना के बाद से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ये तमाम बातें कही। देखिए, मुझे सुबह लगभग 7 बजे इस घटना की जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रमोद विज जी की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, उन्होंने आग लगाई है, 2 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार जो व्यक्ति है वो गाड़ी में आया, यहाँ पर आकर के नीचे उतर करके उसने गाड़ी का शीशा तोड़ करके होल किया, और उसके बाद जब वो गाड़ी का सायरन बज गया उसके पश्चात वो भाग गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात फिर वो गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी में आया है और उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की जो बोतल उसके हाथ में थी वो बोतल ले जा कर के उसने गाड़ी पर डाल करके वहाँ लाइटर से, जो दिख रहा है उसमें, कि लाइटर से उसको टॉर्च किया है और गाड़ी जली है। कारण क्या है इसका, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत समझता हूं कि मेरे लिए चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने घुला चीका का दौरा किया, सीएम की प्रगति रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, विचार विमर्श भी किया। कैथल में सीएम करोड़ों रुपए की सौगात दे सकते हैं, सीएम करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। नए साल के जश्न के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 80 जगह ऐसी है जहां पर नाके लगाकर चेकिंग की जाएगी। जिले के बॉर्डर पर 10 जगह नाके लगाए जाएंगे। 200 से ज्यादा जगह ऐसी है जहां ये इस तरीके का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 200 से ज़्यादा किसी भी समारोह में भीड़ नहीं जुटने की हिदायत दी गई है। ज़्यादा भीड़ जुटी तो आयोजक पर केस दर्ज किया जाएगा। नववर्ष की पार्टियों पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, किस तरीके की ये प्रबंध है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम पुलिस के ACP प्रीतपाल जी हमारे साथ में। सर, 31 दिसंबर की अगर बात की जाए, बड़े स्तर पे पार्टियां जश्न इस तरह के देखे जाते हैं, लेकिन इस बार सख्ताई के आदेश है, किस तरीके की सख्ताई रहेगी, क्या कुछ यहाँ पर अगर कहें तो देखेंगे।
देखो, नव वर्ष के जश्न को सभी मनाना चाहते हैं और हम भी ये चाह रहे थे कि इसमें कोई किसी प्रकार का विघ्न ना आए, लेकिन ये COVID-19 का जो प्रकोप दोबारा से शुरू हुआ है और लगातार उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो सरकार ने हिदायतें जारी की हैं कि रात को 11 से लेके और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो उसमें किसी की भी मूवमेंट अलाउ नहीं है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उस तरह के प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का सुरक्षा इंतज़ाम लगा रहे हैं ताकि सरकार के जो निर्धारित मापदंड हैं उनकी पालना की जा सके। उसके तहत 11 बजे के बाद किसी की भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि वो घरों में रह के ही अपना सेलिब्रेशन करें। 11 बजे के बाद अगर कोई भी आदमी मूवमेंट करेगा या बाहर आएगा तो हमें मजबूरन उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। गुरुग्राम में अगर बात की जाए, साइबर हब, MG रोड, सेक्टर 29, ऐसे इलाके हैं जहाँ अक्सर बड़ी भीड़ देखी जाती है, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बार हैं, उनको भी किस तरह के संदेश पहले से दिए गए हैं उस दिन को लेकर? हाँ, इनको सभी को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और ये तो पूरी तरह से सभी को इसकी जानकारी भी है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा और उसकी पालना की जाएगी। जो भी कोई है वो जो सरकारी मापदंड हैं और जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत ही वो अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाहर किसी को भी अनुमति नहीं रहेगी कि वो कोई सेलिब्रेशन कर पाए। तो इस दिन किस तरह की व्यवस्था, कितने नाके मुलाजिम लगाए, खासकर क्योंकि दिल्ली की सीमा पर ही है गुरुग्राम और दिल्ली के अधिकतर लोग गुरुग्राम के अंदर आते हैं, इस तरीके के गुरुग्राम के तो होते ही हैं, दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएँ या नाके जो है इस दौरान रहेंगे? हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी रणनीति के तहत वहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उस तरह की नाकाबंदी की जाएगी और उस तरह के जितनी ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता जिस पर्टिकुलर इलाके में होगी वहाँ पे ज़्यादा फोर्स की तैनाती की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो लगातार बढ़ते कोरोना के मामले एक चिंता का विषय तो है ही, इसको लेकर के रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू जो है, अगर बात करें नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसी के मद्देनज़र 31 दिसंबर का जो ये कार्यक्रम जो पार्टियाँ थी उन पर भी रोक लगाने का प्लान है। ऐसे में हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर आता है ऐसे में नजर आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के चालान काट रही है जो लोग बिना मास्क के सार्वजनिक जगह पर घूम रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिना मास्क के लोगों के बल्लभगढ़ में जो है चालान किए जा रहे हैं, पुलिसकर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चालान किया जा रहा है और गाड़ी वाला रोका है जिसने मास्क नहीं लगा रखा था, तो उसका चालान भी यहाँ पर पुलिसकर्मी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लगातार जो है लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या आपने मास्क नहीं लगाया? अजय उतार दियो, अभी उतार दियो। तो भाई जिस तरीके से बीमारी उस तरीके से सोचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल नंगला जाओगे ना है जी, मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने उतार दिया था मास्क, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो है चालान पुलिस ने यहाँ पर काट दिया है और लगातार पुलिस इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि ताकि लोगों में ये बीमारी है जो वो ज़्यादा ना फैले, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और उसी के मद्देनज़र लगातार जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है पुलिस ताकि लोग स्वच्छ रह सकें और स्वस्थ रह सकें। क्या नाम है आपका? राजकुमार। किस बात के चालान काटे? ये ओमिक्रॉन को देखते हुए अफसरों के आदेश पे बिना मास्क के जो हैं उनको समझाया भी जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। कितने का चालान काटा? 500 रुपये का। कितने लोगों के चालान अभी तक काटे? अभी तो 5-6 आदमियों के चालान हो। रोजाना चल रहा है अभियान? रोजाना चल रहा है और कुछ लोगों को समझाया भी जा रहा है, कुछ का चालान किया जा रहा है। क्यों नहीं मान रहे लोग? आप काफी मशक्कत भी कर रहे हैं फिर भी उसके बाद भी लापरवाही? अब लोगों की लापरवाही है, अभी इसको सीरियसली ये लोग ले नहीं रहे हैं। बाकी तीसरी लहर और भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए लोगों को मास्क के लिए अवेयर भी किया जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस भी किया जा रहा है और उनके चालान भी साथ साथ काटे जा रहे हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दई।
बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की परेशानियां भी बढ़ गई है। विदेश के अंदर प्रतिबंधों से देश के एक्सपोर्ट कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा है। बता दें कि मानेसा इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो देश की इंडस्ट्रीज का ज्यादातर एक्सपोर्ट यूरोप में होता है और यूरोप में ओमिक्रॉन के चलते इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसी के चलते मानेसर की इंडस्ट्रीज को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पहले ही इंडस्ट्रीज की कमर तोड़कर रख दी है और अब ओमिक्रॉन के चलते आर्थिक नुकसान से कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। अब ऐसे में सरकार को अभी से तमाम तरह के कदम उठाने चाहिए। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन खत्म होने के बाद से आंदोलन के कारण बंद हुई 110 ट्रेन एक बार फिर से बहाल कर दी गई। ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को अब काफी राहत मिलेगी। स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को भी मिली। अंबाला स्टेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 110 ट्रेन को रद्द किया गया था और कुछ ट्रेन को शॉर्ट रूट पर टर्मिनेट किया गया था, लेकिन अब ट्रेन को बहाल किया गया है। जिन यात्रियों ने पहले से ही इन रेलगाड़ियों में आरक्षण लिया हुआ है वो बहाल रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि किसानों का रेल रोको आंदोलन रेलवे और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। फिरोजपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन से रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।